जब हम लेबर लॉ की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे इनैक्टमेंट्स की चर्चा होती है, लेकिन जब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लेबर लॉज की बात करते हैं तो लोग सबसे ज़्यादा फैक्ट्री एक्ट की बात करते हैं। और फैक्ट्री एक्ट सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर का बहुत बड़ा एक एक्ट है और उसमें टोटल 11 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला चैप्टर है उसका प्रिलिमरी, सेकेंड है इंस्पेक्टिंग स्टाफ, तीसरा है हेल्थ, चौथा है सेफ्टी, पांचवा है उसका प्रोविजंस रिलेटिंग टू हैजार्डस प्रोसेस और वेलफेयर, छठवां है वर्किंग आवर्स फॉर एडल्ट, सेवंथ है पर्संस, एट्थ है एनुअल लीव विद वेजेज, नाइन्थ है स्पेशल प्रोविजंस, टेंथ है पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स, एंड इलेवंथ आता है हमारा सप्लीमेंटल। लेकिन जब हम चैप्टर 8 की बात करते हैं तो उसमें लिव विद वेजेज का चैप्टर या एनुअल लिव विद वेजेज एक बहुत बड़ा विषय है और जिसमें इनकम टैक्स के भी कन्फ्यूजन लोगों को रहते हैं और उसके एनकैशमेंट के, उसके एक्यूमुलेशन के भी। बहुत सारे लोग, जब भी मैं जहां भी जाता हूं तो फैक्ट्री एक्ट में हेल्थ एंड सेफ्टी को छोड़कर लोग बाग इसमें लग जाते हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ आज इस विषय पर चर्चा की जाए। और चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन दबाकर यह सुनिश्चित करें कि आपको लेबर लॉ रिलेटेड सारे जानकारी यदि एक जगह चाहिए तो आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाकर सुनिश्चित करें कि सबसे पहले आपको ये इस तरह की जानकारी मिलती रहे। बात करते हैं चैप्टर 8 की। इसमें दो सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सेक्शन 78 और 79। सेक्शन 78 कहती है एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर, ये कहाँ लागू होता है, तो जहाँ फैक्ट्री एक्ट लागू होता है वहाँ ये अक्रॉस द इंडिया लागू होता है। और सेक्शन 79 एनुअल लीव विद वेजेज क्या है उसको डिफाइन करता है, तो उसकी बहुत सारी डेफिनेशन से आइए उन्हीं को डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी के लिए आपको दो चीजें हैं आप सबसे पहले समझनी होंगी। सबसे पहले तो यहाँ बात की गई है वर्कर की, तो फैक्ट्री एक्ट में आपको वर्कर की डेफिनेशन दी गई है, उसमें केवल 4 लोगों को छोड़ करके ऑक्यूपायर, फैक्ट्री मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, वेलफेयर ऑफिसर, इन 4-5 लोगों को छोड़ करके बाकी सभी वहां वर्कर में डिफाइन किए गए हैं। तो आप अपने दिमाग से सबसे पहले ये कन्फ्यूजन निकाल दीजिए, क्योंकि एक वाइस प्रेसिडेंट लेवल का आदमी वर्कर नहीं हो सकता। यदि वह उस फैक्ट्री में काम करता है और उन 5 लोगों में से नहीं है, ऑक्यूपायर नहीं है, फैक्ट्री मैनेजर नहीं है, सेफ्टी ऑफिसर नहीं है, वेलफेयर ऑफिसर नहीं है, मेडिकल ऑफिसर नहीं है, तो फिर वो वर्कर है उस डिफाइन से, और उस पर ये प्रोविजन लागू होता है। उसी से उसकी जो कुछ लोग उन्हें अर्नड लीव कहते हैं, कुछ लोग प्रिविलेज लीव कहते हैं, तो वो लीव एक्यूमुलेट होती हैं। तो यहाँ कहा गया है वर्कर बिकम्स एलिजिबल फॉर प्रिविलेज लीव ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग ए पीरियड ऑफ कंटिन्यूस सर्विस विद द ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन में उसकी कंटिन्यूस सर्विस 240 दिन की एक कैलेंडर ईयर में या उस प्रोरेटा में पूरी हो जाए तो वह एलिजिबल हो जाता है, क्योंकि लीव की जो कैलकुलेशन है वो कैलेंडर ईयर पर होती है, जनवरी से दिसंबर कैलेंडर ईयर, और उसमें 240 दिन पूरे करने पर यह कैलकुलेशन होती है, क्योंकि 365 दिन और उद्योग काम करता है उसमें से 52 डेज वीकली ऑफ निकल जाते हैं, कुछ नेशनल हॉलीडेज निकल जाते हैं, तो लगभग 300 दिन आदमी एवरेज काम कर पाता है। और 240 दिन पूरा करना है क्योंकि उसमें छुट्टी का प्रोविजन है और बहुत सारे कारण है, तो यहाँ 240 दिन इसलिए गए हैं। दूसरी बात एलिजिबिलिटी के साथ बात होती है कि जब हम लीव कितनी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, तो एक्यूमुलेशन के बारे में एक्ट में कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन 30 दिन तक की बात समझ में आती है कि प्रीवियस ईयर की जिस जो कंप्लीट हुआ है, इस ईयर की साथ के साथ जो होती जाती है, तो मैक्सिमम लोग 30 दिन तक के एक्यूमुलेशन की बात फैक्ट्री एक्ट से इन्फ्रेंस निकालते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन की अपनी लीव पॉलिसी होती है, वो एज पर एज या एज पर डेजिग्नेशन या एज पर
अदर क्राइटेरिया अपनी लीव पॉलिसी में इनको डिफाइन करते हैं और वो लीव भी ज्यादा देते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में इन लीवों को 15 दिन से बढ़ाकर 1 महीने 30 दिन देते हैं। मैंने जिन ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है वहां लीव 30, एक ऑर्गेनाइजेशन में 40 दिन थी, तो ये कैलकुलेशन से ज्यादा आप दे सकते हैं, लेकिन 20 दिन पर एक लीव कैलकुलेट करने का प्रावधान है। जैसे ही आपके 20 दिन पूरे हुए तो एक अर्नड लीव आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है और साल खत्म होने पर वो अगले साल के लिए कैली फॉरवर्ड हो जाती है। तो करंट ईयर के जो डेज है वो और प्लस प्रीवियस का बैलेंस, तो मैक्सिमम 30 डेज एक्युमुलेशन की बात प्रिविलेज लीव के नाम पर या अर्नड लीव के नाम पर की जाती है। हालांकि कंपनी की पॉलिसी बहुत सारे लोगों को जो 50 ईयर्स से अबव के हो जाते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के नजदीक होते हैं, तो उनको 240 दिन इकट्ठा करने की बात करती है। कुछ कंपनी यंग एज में केवल 30 दिन और अब 40 के बाद 40 से 50 90 दिन और 50 के बाद 240 दिन, इस तरह की पॉलिसी डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज हैं। लेकिन मोटे तौर पर यदि कोई एज पर एक्ट चलता है तो 30 दिन का एक्युमुलेशन किया जा सकता है। अब आती है नंबर 3 बात, इसमें अवेलमेंट, आप छुट्टी कैसे अवेल कर सकते हैं। तो ये लीव की पॉलिसी है कि आपको कम से कम 15 दिन पहले बताना होगा और ये लीव बार बार कैजुअल लीव की तरह या सिक लीव की तरह नहीं ली जाती। इनके लिए पहले से प्लान बनाना होता है, क्योंकि ये छुट्टियाँ थोक में होती हैं और कम से कम कुछ कंपनियां कहते हैं गार्ड लीव लेना है तो 3 दिन की कम से कम लेनी होंगी या उससे अधिक लेनी होंगी। हालांकि एक्ट में ऐसा प्रोविजन नहीं है, लेकिन इनके देने का एक प्रोविजन है कि आपको एडवांस में अप्लाई करना होगा। यदि उनके पास आपकी अल्टरनेट की सुविधा है तो वह है उसको पास करेंगे, नहीं तो जब तक अल्टरनेट नहीं बनता है तो अब तक आपकी छुट्टी को वो होल्ड पर डाल सकते हैं। तो अवेलमेंट का इसका एक प्रायर नोटिस की प्रोविजन इस एक्ट में है। इसके बाद यह है कि कुछ कंपनियां लीव एनकैशमेंट करती हैं। लीव एनकैशमेंट का प्रचलन होने के पीछे कुछ कारण थे और वो कारण बड़े वैलिड थे। एक तो आदमी जब रिटायर हो रहा है तो जिस साल में रिटायर होगा उस साल की लीव कब लेगा, उनका एनकैशमेंट होना लीगल है। जब आदमी अचानक रेजिग्नेशन सबमिट कर देता है या कंपनी टर्मिनेट करती है, तो इन 3 चीज़ों में। लेकिन अब कंपनियां, अच्छी कंपनियां लीव एनकैशमेंट की पॉलिसी बनाती हैं। जो कंपनियां मैंने कहा कि 240 दिन तक एक्यूमुलेट करते हैं यदि आप 50 साल से ऊपर हैं, तो वो उनको इसलिए करती हैं कि आदमी जब रिटायर होगा तो उसको पैसा मिलेगा, दूसरा कंपनी में आदमी रेगुलर काम करेगा, छुट्टी कम लेगा तो उसकी छुट्टियां एक्यूमुलेट होंगी होंगी। कुछ कंपनियां एक लेवल के बाद, जैसे मैंने कहा कुछ 60 दिन करती हैं, कुछ 90 दिन करती हैं, कुछ 150 दिन करती हैं, कुछ 240 दिन तक ले जाती हैं। उसके ऊपर की जितनी लीव होती है यदि एम्प्लॉय उन्हें अवेल नहीं करता तो उनका एनकैशमेंट साल के अंत में अर्थात जनवरी के महीने में या फरवरी के महीने में, जब भी उनका वो कैलेंडर के हिसाब से निकालते हैं तब भी लीव एनकैशमेंट करते हैं। तो लीव एनकैशमेंट का एक प्रोसीजर है। तो लीव एनकैशमेंट हालांकि एज पर एक्ट जो है वो इन 3 केसों में बनती है, नंबर 1 रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन। बाकी कंपनी अपनी पॉलिसी के हिसाब से जो देती हैं उनकी अपनी अपनी पॉलिसी है। और कुछ लोग एनुअल लीव एनकैशमेंट भी करते हैं, जो पहले अप्लाई करते हैं उनको देते हैं। और 5 बात करते हैं कैरी फॉरवर्ड, कितनी छुट्टी कैरी फॉरवर्ड की जा सकती है। जो हमने कहा कि जैसी कंपनी की एक्युमुलेशन की पॉलिसी है उतनी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और 1 साल की छुट्टी जो करंट कैलेंडर ईयर चल रहा है उसकी छुट्टी अगले साल में जाके मिलती हैं। तो अलग अलग कंपनी की अलग अलग पॉलिसी हो सकती हैं, लेकिन आप 15 दिन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्योंकि यदि 20 दिन पर एक कैलकुलेट एज पर एक्ट हो रही है तो वो 15 दिन होगी। जिन कंपनियों में 30 दिन छुट्टी दी जाती है या किसी कंपनी में 40 दिन साल में छुट्टी जाती है तो वो अपनी नंबर बढ़ा सकते हैं। तो कैरी फॉरवर्ड का भी सिस्टम इसमें है। नंबर 6 बात करते हैं मिनिमम लीव। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के इन्होंने ग्रांट किया है कि कम से कम 15 दिन की 1 साल में प्रिविलेज लीव आपको देनी होगी। जो मैंने आपसे बात की थी 20 दिन के काम करने पर एज पर एक्ट एक छुट्टी बन जाती है, तो 300 दिन वर्किंग डेज होते हैं, तो लगभग लगभग 15 दिन होगी, तो कम से कम 15 आपको देनी होंगी। उससे ज़्यादा दे रहे हैं तो आप दे दीजिएगा। इसीलिए ये 15 दिन का कंसेप्ट मिनिमम लीव के साथ जोड़ा गया है। एक बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, इसको समझने के लिए हमें इसके कैलकुलेशन ऑफ डेज वर्क को भी समझना जरूरी है।
अब वहां टोटल नंबर ऑफ डेज वर्क हैज वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द ईयर इज कैलकुलेटेड, हर महीने आपके एक्चुअल वर्किंग डेज जिसमें छुट्टी जो पेड हॉलीडेज है वो इंक्लूड है और वर्किंग डेज इंक्लूड है, उसके अलावा और कुछ इंक्लूड नहीं होता है। जिन लोगों ने अनपेड छुट्टी ली है और 240 दिन नहीं कर पाते हैं वो है उससे बाहर हो जाते हैं, इसीलिए इनको समझने के लिए आपको और डिटेल में जाना पड़ने की आवश्यकता है। लेकिन उसके पहले आपको यह भी समझना आवश्यक है कि जो लोग लंबी छुट्टी ले लेते हैं उनकी छुट्टियां बनती नहीं है, ये केवल उन्हीं पर लागू होता है कि जो लोग कम से कम छुट्टी लें। इसीलिए आदमी कम से कम छुट्टी लेकर अपनी छुट्टी 240 दिन पूरी करने के लिए पूरा करने के लिए रेगुलर प्रेजेंट को बढ़ाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि जो लोग एब्सेंटी की, अब तो शायद एब्सेंटी का क्योंकि जब से वर्किंग आवर्स भी फ्लेक्सिबल हो गए हैं, जब से आपका इंसेंटिव वर्क इंसेंटिव प्रोडक्शन इंटेंसिव इंसेंटिव जुड़ गया है तो लोग छुट्टियां कम करते हैं, पहले लोग बहुत छुट्टी करते थे और ये एक्ट 1948 का है तो उसमें उन चीजों का भी समावेश ऑलरेडी किया गया है। तो इसमें मोटा मोटा ये है कि आप जितने दिन काम करेंगे महीने में, वो 20 दिन भी हो सकते हैं, 22 दिन भी हो सकते हैं, 25 दिन भी हो सकते हैं, उतने दिन को महीने में एक 20 दिन होने पर आपको पूरी एक छुट्टी मिल जाती है, उसका कैलकुलेशन का तरीका है। अब बात करते हैं इसका दूसरा, कैलकुलेशन ऑफ लीव अर्न्ड। द नंबर ऑफ डेज ऑफ लीव अर्न्ड बाय द वर्कर इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज वर्क, पूरे साल के दिन जोड़ लिए जाते हैं और उनको इकट्ठा कर 15 से 20 दिन से डिवाइड कर दिया जाता है, जो एच पर एक्ट चलते हैं और जो अधिक देते हैं वो अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो इसीलिए जो बिल्कुल एच पर लॉ चलते हैं वहां 15 या 16 ही छुट्टी बनती है, उसका भी एक कैलकुलेशन का तरीका। यदि पूरे साल में आपने एक भी छुट्टी नहीं ली, रेगुलर वर्क किया, तो 365 दिन में से यदि 52 संडे भी आपने निकाल दिए तो फिर आपको 310 या 312 तक का जो डेटा है उस हिसाब से छुट्टी कैलकुलेट होती है। तो जब 310 को छुट्टी पार कर जाती है तो वह 16 छुट्टी तक पहुंच जाती है। हालांकि यह कैलकुलेशन अब बहुत कम बची है, लोग सभी एज पर एक्ट से अधिक छुट्टियां देते हैं। नंबर 3 बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ लीव बैलेंस। द लीव बैलेंस इज कैलकुलेटेड बाय सब्स्ट्रैक्टिंग द लीव, जो आपने पिछले साल का एक्युमुलेशन में से इस साल ले ली है वो आपकी लीव बैलेंस कही जाती है। कुछ लोग कभी कभी बीमारी या किसी कारण से घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इंसिडेंट एक्सीडेंट हो जाता है, तो कभी कभी एडवांस में जो करंट ईयर की अर्नड लीव है उनको भी अवेल कर लेते हैं। इसीलिए इन चीज़ों को बहुत कम इम्पोर्टेंस दी जाती है कि आपकी कौन सी छुट्टी कितनी बैलेंस की जाए। कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से या तो लोग एन कैश कर लेते हैं या उनको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, ये लोग अपने हिसाब से इसको मैनेज करते हैं। नंबर नेक्स्ट हम बात करते हैं, इज लीव एनकैशमेंट टैक्सेबल? यस, जब लीव का आपको पैसा मिलता है तो टैक्सेबल है। एनी लीव इज अवेलेबल फॉर द एनकैशमेंट ड्यूरिंग द सर्विस और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। व्हेन ए पर्सन रिजाइंस व्हेन एनकैश्ड ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड इज फुल्ली टैक्सेबल एज पर एक्ट एंड इट ए पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, ये उसकी तरह ट्रीट की जाती है। हाउएवर वन कैन क्लेम सम रिलीफ अंडर सेक्शन 89 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, उसमें जो जो आपको प्रावधान मिलते हैं उनमें जितनी छूट आप ले सकते हैं सेक्शन 89 ऑफ इनकम टैक्स उससे आप ले लीजिए। अभी इसमें एक नया प्रावधान और भी जोड़ा गया है कि आप अपनी पूरी होल लाइफ में यदि एक टाइम ले रहे हैं तो एक पर्टिकुलर लेवल तक इनकम टैक्स ने उसमें छूट दी है। नेक्स्ट जो हम इसकी बात करते हैं वह बात करते हैं कंडीशंस ऑफ एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन किन किन को जो अर्नड लीव का एनकैशमेंट है उसमें मिलती हैं, तो उसमें बड़े मोटे मोटे 3 लॉ हैं। नंबर 1, फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, उनकी लीव फुल्ली एग्जेम्प्टेड है टैक्सेशन से। दूसरा, लीव आर फुल्ली एग्जेम्प्टेड व्हेन एनी लीगल हेयर पर किसी की डेथ हो जाए, उसके लीगल हेयर को मिल रहा है पैसा तो वहां फिर इस पर इनकम टैक्स नहीं कटता। नंबर नेक्स्ट है, इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लीव एनकैशमेंट इज एग्जेम्प्टेड बेस्ड ऑन द कंप्यूटेशन प्रोवाइडेड सेक्शन 10 और सेक्शन 10 ए
सेकंड विच इंक्लूड द बैलेंस ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द सैलरी इफ एनी। तो वहां भी ये एग्जेम्पशन की कंडीशंस आप इनसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो लीव का बहुत बड़ा हिस्सा डिस्प्यूट में चला जाता है, इसीलिए आपको यह समझने की मैंने कोशिश की है कि लीव एनकैशमेंट सेक्शन 78 और 79 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट, आप उसको पूरी तरह अवेयर हो, कंपनी की पॉलिसी से अवेयर हो, अपनी लीव को या तो एक्यूमुलेट उतना करें जितना आप कंपनी की पॉलिसी कहती है और उससे पहले लीव को अवेल कर लें, या कंपनियां अच्छी कंपनियां या प्रोफेशनली मैनेज कंपनियां बीच बीच में लीव एनकैशमेंट की पॉलिसी लाती हैं, उस टाइप लीव एनकैश करा लें। मैं कोशिश करता हूं कि आपके इस तरह के सभी इश्यूज का जवाब आपको समय से और लीगल वे में विद सेक्शंस मिले। ये आपकी जानकारी के लिए मैं आपको पुनः बता दूं कि मैं और मेरी संस्था वीके डायनेमिक लीडरशिप सेंटर लॉ अवेयरनेस के लिए पूरी तरह प्रयासरत हैं कि हम लेबर लॉ की, श्रम कानूनों की जानकारी साधारण से साधारण भाषा में सभी लोगों तक पूरी तरीके से डेटा के साथ, सिस्टम के साथ, लीगल अवेयरनेस के साथ पहुंचा है। आशा करते हैं कि आपको हमारे ये सब पसंद आते होंगे। अब लीव एनकैशमेंट कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इस पर बहुत सारे लोग बहुत तरीके की बात करते हैं। इसका बहुत सीधा प्रिंसिपल है, बेसिक सैलरी प्लस डीयरनेस अलाउंस डिवाइडेड बाय 30 इनटू नंबर ऑफ लीव्स, जितनी आपकी कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से आपने या अपनी छुट्टी बैलेंस बचने के हिसाब से जो बैलेंस बचा है उससे जो आपकी लीव बची है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इसमें एक क्वेश्चन बार बार लोग पैदा करते हैं कि जिन कंपनियों में सैलरी बेसिक और डीयरनेस के अलावा और बहुत सारे टॉपिक लेचर से या बहुत सारे अलाउंसेस से दी जाती है वो इसमें इंक्लूड होने चाहिए। वो ऐसा रूल कोई अभी तक है नहीं, जो कंपनी डिजाइन करती है जिस पर पीएफ कटता है आपका, या जो बेसिक प्लस डीयरनेस के नाम से दी जाती है वही इसमें डिवाइडेड बाय 30 की जाती है। कुछ लोग इसके ग्रेचुटी के फॉर्मूले से भी कैलकुलेशन की बात करते हैं कि डिवाइडेड बाय 26 होना चाहिए, क्योंकि महीने में 5 वीकली ऑफ निकल जाते हैं तो यह डिवाइडेड बाय 30 क्यों है। लेकिन एक्ट का जो प्रोविजन है वो डिवाइडेड बाय 30 है, क्योंकि महीने में 30 दिन आपको यदि सैलरी डेली वेजेस की है तो डिवाइडेड बाय 26 हो सकता है, लेकिन जहां मंथली वेजेस है तो वहां डिवाइडेड बाय 30 ही रहता है। इसीलिए इसमें कंफ्यूजन होने की या कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज इतना ही, फिर आपसे आपकी अगली समस्या के साथ फिर बात करेंगे। आप हमें लिखते रहिए, हम आपकी जानकारी सटीक समय पर और सेक्शंस के साथ पूरे करते रहेंगे, यह हमारा आपसे वादा है।